फ्लावर्स ऐड करेंगे, इससे काफ़ी टेस्ट अच्छा आएगा अपने को। काली मिर्ची जो मसाले में आपको बताया था पूरे पीस लेंगे, और थोड़ा शाहजीरा काली मिर्ची जो दलिया है उसमें ऐड कर देंगे। असली घी प्योर ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुकिंग फिटनेस चैनल। कुकिंग फिटनेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मटन हलीम। रमज़ान काफ़ी करीब में है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो न्यूली बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हलीम बनाने का प्रॉपर तरीक़ा नहीं आता। कई लोगों को मालूम नहीं है कौन से मसाले यूज़ होते हैं इसमें। आप एंड तक देखें, ज़रूर देखें वीडियो। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, मगर आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो है ये, जो न्यूली बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप घर में भी बनाना चाह रहे हैं। तो मैं जो क्वांटिटी यूज़ कर रहा हूँ उसको थोड़ी क्वांटिटी कम कर लें इंशाल्लाह। और घोटा मारना आपको ज़रूरी है, घोटने से ही अच्छा हलीम बनेगी इंशाल्लाह। और दाल को पीस कर भी डाल सकते हैं आप एक चीज़ याद रख ले, दाल को पीस कर भी डाल सकते हैं। मगर जो बासमती राइस है आपको वो पीसना नहीं है, गोश्त के साथ डाल के घोटा मारना है उसको। हम लोग इसमें क्या कर रहे थे कि दाल को गला लेके घोटा मारे थे गोश्त के साथ में। आप दाल को अलग से पीस कर भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। और पूरे अब लास्ट एंड तक देखिए इंशाल्लाह, पूरा मैं आपको हर चीज़ हर तरीके से बताऊंगा कैसा बनाना है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदेमंद होगी। जो न्यूली बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। 5 kg मटन हलीम का है ये। अगर उसकी जगह आप चिकन हलीम बनाना चाह रहे हैं तो चिकन ऐड कर लीजिए, और मसाले तो आपको सेम रहेंगे। चिकन आपको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, 5 kg की जगह 8 kg चिकन लेना पड़ेगा आपको। और इसमें जो असल मेन जो चीज़ है, काजू बादाम है और असली घी का है, इससे आपको टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। ऐसे कुछ और भी मसाले हैं जो आपको नहीं मालूम होंगे, इंशाल्लाह ये वीडियो में आपको पूरा मालूम हो जाएगा। तो लास्ट एंड तक मेरा वीडियो ज़रूर देखिए इंशाल्लाह, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग एंड फिटनेस चैनल। आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी मटन हलीम, जो काफ़ी टेस्टी होगी। क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है उसके लिए आप बताता हूँ। आज हम मटन लेंगे, इसमें 5 kg मटन लेंगे। गाँव का पोटला है ये, कड़का जिसे बोलते हैं, उसका गोश्त है, काफ़ी चिकना है, अच्छा ज़बरदस्त है। हमने बकरा ही कट कर लिया था एक पूरा। और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं बता दें। तली हुई प्याज हमने पहले तल लिया था इसको, 1/2 किलो बासमती राइस, 400 ग्राम काजू, 400 ग्राम बादाम, 250 ग्राम हरे मिर्च, 1 kg असली देसी घी, 1 kg हरीस का रवा, 1/2 किलो माश की दाल, 50 ग्राम कबाब चीनी, 100 ग्राम शाही ज़ीरा, 50 ग्राम इलायची, 1/2 किलो ऑयल, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 50 ग्राम काली मिर्च, लौंग एक 20 ग्राम, 10 से 15-20 ग्राम ले सकते हैं आप, और 50 ग्राम ज़ीरा, 100 ग्राम दालचीनी, 15 से 20 ग्राम सूखे ड्राई फ्लावर्स है ये, रेड फ्लावर्स, नमक स्वाद अनुसार ले लें आप आपके हिसाब से, मैं तो 11 टीस्पून ले लिया हूँ, 250 ग्राम मूंग की दाल, 250 ग्राम चने की दाल, 250 ग्राम तुअर की दाल, और 4 पुदीने के कट्टे। अभी हम लोग फार्म हाउस पे हैं, इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे ही कट्टे मिलते हैं बड़े बड़े साइज़ के। तो ये 4 है और ये 2 कोतमीर है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको लगेंगे बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आठ से दस लीटर पानी ऐड करेंगे क्योंकि मटन 5 kg है। मटन को गलने के लिए इतना पानी लगता है। गाइस ये मसाले अब हम पीस लेंगे पूरे। इसमें शाजीरा, ज़ीरा, काली मिर्ची जो मसाले मैं आपको बताया था पूरे पीस लेंगे, और थोड़ा शाजीरा काली मिर्ची रखेंगे हम मटन में ऐड करने के लिए। अभी इसको ग्राइंड कर लेंगे हम इंशाल्लाह। देखिए गाइस मसाला अब हमने पीस लिया है। पीसने के बाद कुछ इस तरह से हो जाता है। अभी हम बादाम और काजू ग्राइंडर कर लेते हैं। इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से इसका पेस्ट बन चुका है। आप भूनने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ग्राइंड कर लीजिए आप इसे। अभी हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। पानी काफी गर्म हो चुका है। ग्रीन चिली भी डाल देंगे इसमें। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और जो हमने शाजीरा काली मिर्ची थोड़ी रखी थी वो डाल देंगे। अभी इसमें साल्ट ऐड करेंगे अपन। और पुदीना ऐड कर देंगे। इसको अच्छा पकने देंगे। गलने के लिए आप इसमें पपाई भी डाल सकते हैं, मगर इसी तरह इंशाल्लाह ये ऐसे ही गल जाएगा। पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें और थोड़े ड्राई फ्लावर्स ऐड करेंगे, इससे काफी टेस्ट अच्छा आएगा अपने को। अरे अजहर भैया जो पूरी शूटिंग जो आप देख रहे हैं, जो शूट कर रहे हैं, ये हमारे अजहर भाई शूट कर रहे हैं।
गाइस हमने हरीश के रवे को भिगोने रख दिया था जब तक हमारा गोश्त गल जाए, उसको भिगने रख देते हैं और बाकी के दालों को भी हम भिगने रख देते हैं। पूरे एक साथ डाल के रख दीजिए आप, जब तक अपना गोश्त गल जाता है तब तक इसको भिगने रख दीजिए। अगर आप चाहे तो इसको एक दिन पहले भी भिगने रख सकते हैं, मगर जब अपन पकाएंगे तो ये आराम से गल जाएंगे इंशाल्लाह। गोश्त गल चुका है पूरा, अब हम इसमें निकाल दिए हैं। देखिए अब इसको घोटे से हम पूरा कुचल के बारीक कर लेंगे पूरा। देखिए अब पूरा गल चुका है गोश्त, अब घोटे से बारीक करके फिर अभी जो ये हम इसमें दाल ऐड करेंगे, गोश्त गल चुका है वो इसमें दाल ऐड करके वो पका लेंगे। ये जो घोटे हुआ गोश्त है हम फिर उसमें दाल में ऐड कर देंगे। भाई साहब हम इसमें रवा ऐड करेंगे जो भिगने रखे थे। अब ये पूरा दालें डाल देंगे जो हमने भिगने रखे थे। बासमती राइस डाल देंगे, और इसमें प्याज डाल देंगे तली हुई, और जो प्याज का तेल था हाफ के जी वो तेल डाल देंगे। जो मसाला हमने पीस के रखा था वो मसाला डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे, उसके बाद जो गोश्त कूट लिए थे हम वो कूट लेके गोश्त मिक्स कर देंगे। बादाम और काजू पीस लिए थे ऐड कर देंगे। अच्छा इसको पकने देंगे। दाले गल गए जब गोश्त डालकर उसको घोटेंगे। जो हड्डियां हैं उसको निकाल के अच्छे से ये गोटा मारना चाहिए इसको। तो घोटने में आपको आसानी होगी। देखिए दोस्तों इसको अच्छे से कूट के बारीक कर लेना चाहिए। अभी हम इसको जो हमारा दलिया है उसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से हिला लेना चाहिए वरना इसकी अच्छे दाग भी लग सकते हैं, पकड़ ले सकते हैं। हमारी दालें पूरा अच्छे गल चुकी है। देखिए आप अब इसमें हम जो गोश्त कूट लिए थे वो गोश्त मिला के घोटा मारेंगे और फिर बाद में इसके अंदर जो असली घी है वो ऐड करेंगे इंशाल्लाह। देखिए दोस्तों गोश्त को कूट दिया था, अब इसमें मिक्स कर देंगे पूरा।
थोड़ा गोश्त को ऐड कर लेंगे इसमें। हमने इसमें के नलियाँ निकाल दी थी क्योंकि घोटते वक्त काफ़ी मुश्किल होती है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो इसको कुकर में या छोटी हांडी है आप कह रहे उसमें डाल के दाल घोटनी से घोट सकते हैं। ये 40 से 50 लोगों के लिए है। ये मैं आपको वो भी वीडियो बना के बताऊंगा इंशाल्लाह थोड़े से घर में बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अब हम इसमें 1 kg असली घी प्योर ऐड करेंगे। ज़रा घोट लेंगे, घोट के फिर इसको दम पर रख देंगे। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, काफ़ी बेहतरीन खुशबू आ रही है। देखिए गाइस अभी दम हो चुकी है हलीम हमारी, देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम इसे किसी एक डिश में निकालेंगे और सर्व करेंगे। हम इसे सर्व करेंगे सर्विंग डिश में। काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। मन के रेडी हो चुकी है, हमने उसको टेस्ट करके देखते हैं कैसी हुई है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टेस्ट आया है। अगर आप इसको ग्राइंड करेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, कोशिश करें कि इसको घोटने की। आप देख सकते हैं जो प्योर घी, जो गोश्त का टेंडर काफ़ी जायकेदार बनी है, काफ़ी अच्छा बनी है। आप इसको ग्राइंडर मत करिए, ग्राइंडर करेंगे तो ख़राब हो जाएंगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत लगती है बनाने वीडियो बनाने में। बहुत ही अच्छा टेस्ट आया माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप ज़रूर ट्राई करिए, जो मैं इंग्रेडिएंट्स बताया हूँ वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।